तो गाइज, सुजलॉन एनर्जी की फाइनेंशियल ईयर 2025 की फर्स्ट क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब करोड़ में है। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कंपनी की इनकम से शुरू करेंगे, उसके बाद हम लोग इस कंपनी की एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट, ईपीएस एंड एंडिंग में हम लोग इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज, जून 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 2044.35 करोड़ का इनकम जनरेट किया है, और अगर ये मार्च 2024 की क्वार्टर में एंड जून 2023 की क्वार्टर से ये कंपेयर किया जाए तो मार्च 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 2207.43 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड जून 2023 की क्वार्टर में अप्रॉक्सिमेटली 1361.68 करोड़ का इनकम। तो सुजलॉन ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो जून 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 1741.87 करोड़ का खर्चा किया है, मार्च 2024 की क्वार्टर में अप्रॉक्सिमेटली 1927.49 करोड़ का खर्चा किया था एंड जून 2023 की क्वार्टर में अप्रॉक्सिमेटली 1268.8 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो जून 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 302.29 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है, मार्च 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 254.12 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2023 की क्वार्टर में अप्रॉक्सिमेटली 100.9 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बोथ केसेस में ही, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में पॉजिटिव में निकल के आ रही है। मतलब प्रॉफिट ग्रोथ दोनों केसेस में पॉजिटिव में है, अनलाइक इनकम ग्रोथ। तो अभी अगर इस कंपनी की ईपीएस मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर के बारे में बात करें तो जून 2024 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.22 की बोथ बेसिक एंड डायलूटेड में, मार्च 2024 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.19 की बोथ बेसिक एंड डायलूटेड में एंड जून 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.08 की बोथ बेसिक एंड डायलूटेड में। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। और रही बात कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन की, तो जून 2024 की नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 14.79%, मार्च की निकल के आ रही है अप्रॉक्सिमेटली 11.51% एंड जून 2023 की निकल के आ रही है अप्रॉक्सिमेटली 7.41%। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड ईपीएस ग्रोथ की तरह बोथ केसेस में ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इनकम। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इनकम ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे इस कंपनी ने कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं यही बोलूंगा कि कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है इन जून 2024 की क्वार्टर एंड मेरे हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो रिजल्ट है वो ज्यादा मैटर करती है कंपेयर टू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखा जाए तो हर एक जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। सो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी की जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया है, जून क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है। तो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और कंपनी के रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर एंड स्टे सेफ।